नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज का मार्केट अपडेट दे देता हूं। आज के दिन जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टर ने जितनी भी खरीदारी करी थी वो आज के दिन पूरी बेची है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो दोस्तों कितना मार्केट गिरा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 21 स्टॉक ऐसे थे जो मात्र पॉजिटिव, थोड़े बहुत ऐसे स्टॉक थे जिसमें कुछ ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिनमें अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। और कुछ स्टॉक ऐसे थे 29 स्टॉक जो नेगेटिव थे, जिसमें आप देख सकते हो कितनी गिरावट देखने को मिली, जिसमें से इंफ्राटेल, इन्फोसिस, TCS, ये स्टॉक में खासा डेली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो जो मंडे के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छे स्टॉक अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो वो आप लोगों के लिए एक शानदार हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों मेरा HDFC बैंक का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ HDFC में कुछ न्यूज़ बेस, कुछ रिसर्च बेस अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को एक शानदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों मंडे के दिन। ठीक है, तो आज का इसका आप मार्केट देख सकते हो कितना शानदार रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइड रहा है अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो गिरावट के साथ बंद हुआ है। ठीक है, कल का प्रीवियस क्लोज देख सकते हो, आज का ओपन, आज का हाई, आज का लो और आज का बंद हुआ प्राइस, जो सेटलमेंट होता है वो प्राइस, यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ लेग में, नंबर ऑफ शेयर में, मार्केट कैपिटल, 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो, पूरा आप कम्प्लीटली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसके चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूँ NSE की साइड पे। ठीक है, NSE की चार्ट पैटर्न पे मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से मेरा जो रिसर्च हुआ है वो किस लेवल पे हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये HDFC बैंक का आप लोगों को चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखेगा, जो कि इंट्राडे मार्केट का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, प्रॉपरली पूरी गिरावट, लेकिन यहाँ पर कुछ बाइंग प्राइस हुई थी जो कि होल्डिंग डिलीवरी ज़्यादातर ली गई है। ठीक है, तो मंडे के लिए भी आप लोगों को इसमें शानदार बाइंग प्राइस देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये दो पॉइंट पे खासा अच्छा वॉल्यूम हो रहा था, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मंडे के प्राइस में अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें जो टारगेट बेस आपको बताता हूँ, तो करीबन अगर ये 1267 पे मिलता है तो इसको डेफिनेटली बाय करिए। करीबन अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो इसमें आराम से आप 1280 का टारगेट लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो करीबन 1264 ₹3 का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो, क्योंकि इसमें एक शानदार बाइंग प्राइस देखने को मिल सकती है। कुछ प्री मार्केट में भी आपको थोड़ा सा टारगेट ऊपर जाते दिख सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको बाय करिए और टारगेट के लिए वेट करिए इसमें। ठीक है, जो सेकेंड स्टॉक है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड में भी आज कुछ तेज़ी देखने को मिली, करीबन 2-3 पॉइंट की तेज़ी अगर मैं बात करूँ देखने को मिली है, जिसमें खासा अच्छा मूवमेंट आप लोगों को मंडे को भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए करीबन 3 पॉइंट का यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस आज का देख सकते हो, यहाँ पर पूरा आप चेक कर सकते हो, 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो किस प्रकार से। ठीक है, अब इसके भी चार्ट पैटर्न पर लेके चलता हूँ, इंट्राडे मार्केट का जो चार्ट पैटर्न है इसका, इसमें आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से जो मेरा रिसर्च हुआ है वो आप लोगों के साथ बताता हूँ। यह है आप लोगों के सामने वेदांता लिमिटेड का चार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें इंट्राडे मार्केट का आज आप देख सकते हो कितना शानदार मूवमेंट दिया है। अगर चार्ट रीडिंग करना आ गई है दोस्तों, तो आप लोग चार्ट को सीख सकते हो कि किस लेवल पर चार्ट ने मूवमेंट करा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पर आके ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, जो रेजिस्टेंस था वो तो रेजिस्टेंस चलता ही रहा, इसके नीचे नहीं आया। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो जो ये यहाँ से जो ओपन हुआ उसी के साइड से अगर आप इस लाइन को देखते हो तो उसी की लाइन पे यहाँ पर मोमेंटम हुआ, लेकिन ब्रेकआउट को इसने बार बार ब्रेक करा। ठीक है, यहाँ पर भी आके ब्रेक करा और यहाँ पर तो शानदार ही बाइंग प्राइस देखने को मिली, और यहाँ पर बंद होते होते भी वो थोड़ा मोमेंटम के हिसाब से आप लोगों को मंडे के डे में भी आप लोगों को एक शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। करीबन अगर मैं बात करूँ तो ये मंडे के दिन आप आराम से 144 से खरीद सकते हो। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 149 ₹5 का टारगेट लेके चल सकते हो और 142 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ₹2 का स्टॉप लॉस तो और करीबन ₹5 का टारगेट मेंटेन करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो भी रिसर्च होता है मेरा, ठीक है,
उस रिसर्च को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। करीबन 4 से 5 स्टॉक लेके आता हूँ, जिसमें से 2 स्टॉक में आप लोगों के लिए बताता हूँ कि 2 स्टॉक में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रिसर्च करने में। मैं कंटेंट बता देता हूँ, कंटेंट को थोड़ा आप रीड करिए, रीड करने के बाद पोजिशन बना के प्रॉफिट आसानी से बुक करिए। जो टारगेट दे रहा हूँ वो टारगेट पर भले ही मत जाइए। अगर मैंने 5 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया है, तो अगर आपको 3 रुपये भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, अच्छी क्वांटिटी मेंटेन करिए, तो उसमें प्रॉफिट बुक करिए और स्टॉक से जल्दी बाहर निकलिए। क्योंकि आप लोगों की भी पोजीशन रहती होगी, कुछ आप भी रिसर्च करते होंगे, या आपको कोई बताता होगा, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो बताता होगा, या आपका ब्रोकर बताता होगा, तो आप उसमें भी पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे को है ना, आप लोगों की जो भी राय बनती है वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या क्या आप लोगों की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया करूँगा, जिस प्रकार से भी मेरा बनते कोशिश हो सकेगी। ठीक है, बाकी टेक्निकल फंडामेंटल मूवमेंट का भी वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा, चार्ट पैटर्न कैसे रीड करते हैं, इस वीडियो पे भी मैं आगे बात करूंगा कि किस प्रकार से इसके लिए चार्ट पैटर्न आप लोगों के लिए बन सकता है, जो अप डाउन होता है इसमें कहाँ पर क्या मोमेंटम होता है, किस प्रकार से होता है, तो ये कैसे देखें, ये भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया, मार्केट कंटेंट पसंद आया हो, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन पसंद आई हो, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।